हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों से बार बार सभी लोग ये कहते जरूर होंगे या फिर आप सभी लोगों ने इस बात को जरूर सुनते हुए देखा होगा कि पैसे की कद्र करना सीखो। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, कद्र पैसे की नहीं, कद्र मेहनत की होती है। ऐसी ही एक आज स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो स्टोरी को सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप सभी लोग शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत ही मेहनत से पैसे कमा कर लाता था और उसके पास में एक बेटा भी था उसकी, जो एक इकलौती संतान थी। जितनी मेहनत से दोस्तों जो बिजनेसमैन था वो पैसे को कमाता था, उतनी ही मेहनत से उसकी जो संतान थी उस पैसे को बर्बाद कर देती थी। इस बात पर बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा और बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगा। उसने क्या सोचा, एक बार अपने शाम को बैठकर अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, आज से तो मैं पैसे देना बंद करूंगा और आज से तुमको क्या करना है, अभी तक मैंने तुमको पैसे दिए थे लेकिन अब आगे से तुमको ज्यादा नहीं, सिर्फ हर शाम को मुझे सिर्फ 1 रुपए देना है, वो भी अपनी मेहनत के द्वारा। बेटे ने सोचा पिताजी तो बड़े अकड़ू हैं और बहुत ही गुस्सा करने लगा कि ये कौन सी बात हुई। लेकिन पिताजी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वो अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि हर एक दिन तुमको मेहनत करके 1 रुपए मुझको देना है हर शाम को। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन शाम हुई, बिजनेसमैन जो था, जो पिताजी थे, वो घर आए और उन्होंने बैठकर अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से बोला कि आज तुमने क्या कमाया। तो बेटा जो था, जो बिजनेसमैन का बेटा था, बहुत ही चिंतित हो गया और सोचने लगा, अरे वाह ये बात को तो मैं भूल ही गया था। लेकिन उसने कहा, पक्का प्रॉमिस करके अपने पिताजी से कहा, पापा मैं कल से आपको 1 रुपए पर डे दूंगा। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन उसने क्या किया, अपनी मम्मी से रो रो कर 1 रुपए ले लिया। लेकिन मम्मी ने, माँ थी उसकी ममता ने, 1 रुपए दे दिया। तो जब शाम हुई, शाम को उसने पट से 1 रुपए दे दिया अपने पिताजी को। तो पिताजी ने कहा, जाओ ठीक है, बाहर जो कुआं बना हुआ है हमारे मैदान में, उस रुपए को बाहर कुआं में फेंकाओ। बेटा बड़ी खुशी खुशी गया और उसने आराम से उस 1 रुपए को कुएं में फेंक दिया। जो बिजनेसमैन थे, जो उस बेटे के पिताजी थे, वो सब कुछ माजरा समझ गए। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि जो अपनी वाइफ थी, अपनी जो पत्नी थी, उसको अपने मायके में भेज दिया। अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहा था उसको पैसे देने के लिए। दूसरा दिन, अगला दिन जब हुआ, अगले दिन फिर से शाम को जब पिताजी बैठे और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा कि ये लाओ आज तुमने क्या कमाया है, तो बेटे ने फिर से जो 1 रुपए था फिर से पिताजी को दे दिया। पिताजी अब फिर से यहाँ पर माजरा जो था वो समझ गए, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो एक बेटी थी वो बची हुई थी, वो समझ गए थे कि ये 1 रुपए फिर से उसने अपनी बेटी से ले लिया है। उसने फिर से, पिताजी जो थे उन्होंने फिर से कहा कि बाहर जाओ मैदान में, जो कुआ बना है उस रुपए को फेंक कर आओ। और फिर से बेटा जो गया, आराम से गया और उस रुपए को कुएं में फेंक कर वापस आ गया। उसने अगले दिन फिर क्या किया बिजनेसमैन ने, कि जो अपनी बेटी थी उसको अपने ससुराल भेज दिया। अब उसके पास में जो बेटा था, उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय पैसे कमाने के। वो मार्केट में निकल पड़ा, लेकिन वही बात होती है कि जॉब या फिर नौकरी इतनी आसानी से दोस्तों नहीं मिलती है। उसने क्या देखा कि शाम होती जा रही है, लेकिन 1 रुपए जो उसको कमाना था, जो पिताजी को कमा कर देना था, उसकी कहीं पर भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसने पास में एक देखा कि एक जो बूढ़े व्यक्ति थे वो एक ठेला जो होता है उसको, ठेले को खींच रहे थे, भरी दोपहरी में ठेले को खींच रहे थे और उस पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो जो लड़का था उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि चाचा जी ऐसा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुझे थके हुए लग रहे हैं, मैं इस रिक्शे को, जो आपका ये ठेला है, इसको थोड़ा खींच देता हूँ, आप बताइए कहाँ तक लेना है, बदले में आप ज़्यादा नहीं, आप मुझे सिर्फ 1 रुपए ही दे देना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो ये कोई बात नहीं, 1 रुपए ही तो देना है। उसने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने अपना रिक्शा दिया, अपना उस लड़के को ठेला दिया खींचने के लिए, थोड़ी दूर तक खींचने के बाद में जो लड़का था उसके हाथ में पसीना आ गया था, शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था, उसके हाथों में फलका निकल गए थे, छाले से निकल पड़े थे और बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो चुकी थी। लेकिन आगे चल के जब उसने रिक्शे को रख दिया वहाँ पर जहाँ पर पहुँचाना था, उस बूढ़े व्यक्ति ने 1 रुपए दे दिया। अब धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होने के बाद में जो बिजनेसमैन व्यक्ति था वो आया और उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाने के बाद में बोला कि आज तुमने कितनी कमाई की है, लाओ मुझे दो वो 1 रुपए मेरा, जो हमारी बात हुई थी। बेटे ने झट से 1 रुपए दे दिया और
काफ़ी थका हुआ बेटा देख रहा था, काफ़ी परेशानी से देख रहा था, लेकिन बिजनेसमैन ने रोज़ की तरह आज फिर से वही बात कही कि इस एक रुपए को जाओ बाहर जो मैदान में जो कुआं बना हुआ है उस कुएं में डालकर आओ। इस बात पर इतनी बात सुनते ही उसका जो पुत्र था वो आग बबूला हो उठा और गुस्सा होने लगा, ये क्या रोज़ रोज़ है, आज अभी तक मैंने ये बर्दाश्त कर लिया आप पैसे को फेंकवाते रहे लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने इस एक रुपए को पिताजी कमाया है और इसको आप बोल रहे हैं कि बाहर जाओ और कुएं में फेंकाओ, मैं नहीं इसको फेंक सकता हूं क्योंकि मुझे ही पता है इस एक रुपए को मैंने कितनी मेहनत से कमाया है दोस्तों। तो इस पर पिताजी ने कहा बेटा आज तुमको समझ में आ गया है कि पैसे की कद्र नहीं होती है, कद्र मेहनत की होती है। पैसा वो भी था जो पहले तुम बार बार कुएं में फेंक कर आते थे, पैसा ये भी है लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और वो तुम्हारे मेहनत की कमाई नहीं थी। अब इतनी बात सुनकर उसका जो बेटा था वो पूरी एक बात को समझ में आ चुका। दोस्तों स्टोरी सुनकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि पैसा सेम सेम होता है, बस उसमें फ़र्क होता है वो मेहनत का फ़र्क होता है। जब किसी पैसे को आप अपनी मेहनत से कमाते हो तो उसकी कद्र करना आप सीख जाते हो। तो कद्र दोस्तों पैसे की नहीं होती है, कद्र होती है मेहनत की। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप लोगों के पास में भी अगर ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को सभी तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।